हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और सेमिस्टर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 सेमिस्टर 1 और ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 1 का। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से कनेक्ट होकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। आप फटाफट वीडियो को लाइक करिए, सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 के लगभग 100+ MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी हमें बोर्ड ने 5 तारीख को वेस्ट बंगाल बोर्ड ने यह नोटिस जारी करके बता दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा MCQ बेस्ड होने जा रहा है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, थोड़ा सा मेरे चैनल के वीडियोज़ में जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाइए, आपको OMR सीट भरते समय किन 5 बातों को ध्यान देना होगा उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, ज़रूर जाकर देखिए, नहीं तो आपको काफ़ी समस्याएं हो सकती है। चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 को, जो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 है। नाम क्या लिखा हुआ है? विकास सूचना यानी डेवलपमेंट इंडिकेटर। चलिए इसके MCQ क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए शुरू करें, एकदम जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। भारत में असमानता के कौन से 3 प्रमुख रूप पाए जाते हैं? तो आय असमानता, कृषि योग्य भूमि असमानता, पूंजी असमानता। भारत में किस जाति समूह के पास कृषि योग्य भूमि पर सबसे अधिक कब्जा होता है? तो ब्राह्मण, भूनिहार और राजपूत। भारत में पूंजी के वितरण में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो ये मुख्य कारण होता है निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों का एकाधिकार। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस आय स्तर पर आता है? तो ये होता है निम्न आय स्तर पर। आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधक कौन सी समस्या है? तो असमान बेरोजगारी और गरीबी। आगे देख लीजिए, ये हो गया हमारा कि महालनवीस समिति ने आय के वितरण के असमानता के अध्ययन के लिए कब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 1964 ईस्वी में। महालनवीस समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 5% धनी लोग कितने प्रतिशत आय का उपभोग करते थे? तो 17%। शहरी क्षेत्रों में 5% धनी लोग कितने प्रतिशत आय का उपयोग करते थे महालनवीस समिति के अनुसार? तो 96%। आगे देखिए, सन 1971 से 72 में ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और अधिकतम प्रति व्यक्ति आय का अनुपात कितना था? तो 1:8:7। आय के वितरण की असमानता को दूर करने के लिए महानलवीस समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो आर्थिक विकास की नीतियों में अमूल परिवर्तन। भारत में आय के वितरण की असमानता के मुख्य कारणों में से कौन सा निम्नलिखित है? तो उच्च दर की आयकर। सन 1971 से 72 में शहरी क्षेत्र में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और अधिकतम प्रति व्यक्ति आय का अनुपात कितना था? तो 1:12:8। आय के वितरण की असमानता को बढ़ाने वाले मुख्य कारणों में से कौन सा सही नहीं है? तो शिक्षा में समानता। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार शहरी क्षेत्र में 200% गरीब लोग कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय का उपभोग करते थे? तो इसका मात्र 7%। महालनवीस समिति ने आय के वितरण के असमानता के किस कारण की चर्चा की है? तो बेरोजगारी और अधर बेरोजगारी का आय असमानता से क्या संबंध है? तो बेरोजगारी आय में कमी करती है। भारत में उच्च
आयकर दर के कारण क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो कर चोरी हो जाती है, यानी टैक्स की चोरी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, तो आय का असमान वितरण। मूल्यों में वृद्धि का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है, तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों। कार्य क्षमता में अंतर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कार्य क्षमता अधिक रखने वाले व्यक्तियों को अधिक वेतन मिलता है। जोखिम वहन करने की क्षमता का क्या प्रभाव है, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वालों को अधिक लाभ होता है। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर का क्या परिणाम होता है, तो शिक्षित और प्रशिक्षित लोग अधिक कार्यश्रम होते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किस पर देखा जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के बड़े किसानों पर। आय के असमान वितरण का एक मुख्य कारण क्या है, तो असमान पूंजी निवेश। विकास कार्यक्रमों पर आधारित योजना की क्या विशेषता होती है, तो आर्थिक असमानता में वृद्धि। विकास सूचना के अनुसार आय में असमानता का एक कारण कौन सा है, तो असमान भूमि वितरण। पैतृक संपत्ति आय में असमानता का कारण कैसे बनती है, तो ये बनता है संपत्ति का उपयोग केवल गरीबों के संपत्ति का वितरण समान नहीं होता है। सरकार द्वारा आय की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है, तो भूमि की हदबंदी की सीमा का निर्धारण। किस कारण से उच्च आय वाले व्यक्ति को अधिक लाभ होता है, तो प्रशिक्षित मजदूर होना। स्वरोजगार योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान। सरकार द्वारा किस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की जाती है, तो विविधताओं के लिए पेंशन, बुढ़ापा पेंशन। जिन व्यक्तियों के पास बहुत अधिक भूमि होती है, उनके आय में असमानता क्यों होती है, तो भूमि की असमान वितरण। जनसंख्या वृद्धि के कारण आय की असमानता का कारण क्या होता है, तो निरक्षरता और अधिक बच्चे। सरकार द्वारा कौन सी योजना के माध्यम से आय की असमानता को कम किया जाता है, तो बोनस का भुगतान। कम आय के बीच असमानता को कम करने के लिए किस कदम की सिफारिश की जाती है, तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि। निर्धनता को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो लोक कल्याण के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव। निर्धन व्यक्तियों की कौन सी विशेषता सही नहीं है, तो उनके पास अत्यधिक संपत्ति होती है। निर्धनता की धारणा भारत में किस स्थिति को व्यक्त करती है, तो जीवन के न्यूनतम आवश्यक साधनों की कमी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निर्धन व्यक्तियों की विशेषता नहीं है, तो ये बहुमूल्य संपत्तियाँ। निर्धनता रेखा का उद्देश्य क्या होता है, तो न्यूनतम आय की पहचान। निर्धन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से क्या मुश्किल होती है, तो उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। भारत में निर्धनता का मूल कारण क्या हो सकता है, तो पर्याप्त आर्थिक संसाधनों का अभाव। निर्धन व्यक्तियों की जीवन स्थिति में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो अच्छे आवास माने घर होता है। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान कौन सी नीति से होता है, तो कर प्रणाली में सुधार। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निर्धारण की विशेषता है, तो ये होता है कम आय और सीमित संपत्तियाँ। संक्षेप सापेक्ष निर्धनता का क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाता है एक वर्ग की निर्धनता को दूसरे वर्ग से तुलना। निरपेक्ष निर्धनता की परिभाषा क्या है, तो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति प्राप्त कैलोरीज। गिनी कोएफिशिएंट क्या मापता है, तो ये सापेक्ष निर्धनता। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का प्रतिशत क्या था, तो 28.6%। गरीबी के क्षणिक और अस्थाई रूपों का अंतर क्या है, तो ये होता है आपका क्षणिक गरीबी अल्पकालीन होती है, अस्थाई गरीबी दीर्घकालीन होती है। गरीबी रेखा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरीज प्राप्त होनी चाहिए, तो
2400 कैलोरीज, माने जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलता है। सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? तो लोरेंज वक्र। सापेक्ष निर्धनता का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? तो उच्च आय वर्ग से तुलना। भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है? तो 2100 कैलोरीज की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम कैलोरीज प्राप्त करने के लिए प्रति माह कितना खर्च था? ये 1993 से 94 में तो 228.9 रुपये। शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति न्यूनतम कैलोरीज प्राप्त करने के लिए प्रति माह कितनी खर्च थी? तो ये 264.1 रुपये। प्रति व्यक्ति गणना अनुपात किसको मापता है? तो ये मापता है कुल जनसंख्या में गरीबों का प्रतिशत। गरीबी रेखा की व्याख्या कैसे की जाती है? तो न्यूनतम उपभोग स्तर को खर्च के आधार पर। सापेक्ष निर्धनता को मापने के लिए कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती है? तो गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंज वक्र। निरपेक्ष निर्धनता का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? तो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाला लोग। उसके बाद देख लीजिए, सापेक्ष निर्धनता की परिभाषा किस प्रकार की तुलना से संबंधित है? तो विभिन्न देशों या वर्गों की तुलना। भारत में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष निर्धनता के तहत रहती है? तो 28.6। गिनी कोएफिशिएंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सापेक्ष निर्धनता का माप के लिए। गरीबी की प्रति व्यक्ति गणना अनुपात को निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो गरीबों की संख्या प्लस कुल जनसंख्या। बेरोजगारी का अभिप्राय किस स्थिति से है? तो जब सक्षम और इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। खुली बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो कम खोजने वाले व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलता। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जा रहा है, क्या है ये, गलत पढ़ दिया मैंने ना, ये सही है। मौसमी बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये कृषि में अल्पकालीन काम। प्रचंड बेरोजगारी किस स्थिति को दर्शाती है? तो ये जहां श्रमिक काम करते हुए नज़र आते हैं परंतु उनकी उत्पादकता शून्य होती है। शहरी बेरोजगारी में कौन सा प्रकार औद्योगिक विकास से संबंधित है? तो औद्योगिक बेरोजगारी। शैक्षणिक बेरोजगारी किस वर्ग को प्रभावित करती है? तो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग। तकनीकी बेरोजगारी का कारण क्या होता है? तो नई प्रौद्योगिकियों के कारण पुरानी तकनीकों का उपयोग कम होना। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है? तो प्रचंड बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक बेरोजगारी किस कारण होती है? तो ये होती है औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी का बढ़ना। भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा गलत है? तो अत्यधिक जनसंख्या नियंत्रण। भारत में बेरोजगारी के कारणों में से कौन सा आर्थिक दृष्टिकोण का परिणाम है? तो धीमी समृद्धि प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का दुष्प्रभाव नहीं है? तो आर्थिक विकास में तेजी। भारत में बेरोजगारी के दुष्प्रभावों में से कौन सा सही है? तो बेरोजगारी से मानवीय संसाधनों की हानि होती है। भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही है? तो पूंजी प्रधान परियोजनाओं की संख्या कम करना। भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही है? तो ये शिक्षित बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा विशेष रूप से तकनीकी बेरोजगारी से संबंधित है? तो ये है विदेशी प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग। भारत में बेरोजगारी के दुष्प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है? तो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या गंभीर हो रही है? तो ये हो गया आपका शैक्षणिक संस्थाओं में अधिक परिवेश। भारत में बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है? तो अत्यधिक जनसंख्या नियंत्रण। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कौन सा सामान्य उपाय है? तो जनसंख्या नियंत्रण।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितना रोजगार प्रदान किया जाता है, तो 100 दिन का NREG योजना को किस वर्ष लागू किया गया था, 2006 में कृषि क्रियाओं के विविधीकरण से रोजगार के किस क्षेत्र में वृद्धि होती है, तो सभी उपयुक्त विषय आप देख लीजिएगा। हेड काउंट रेशियो का सूत्र क्या होता है, तो HC/N लिंग असमानता के किस पहलू को सामाजिक धारणा के रूप में वर्णित किया जाता है, तो समान व्यवहार बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किस नीति में सुधार की आवश्यकता है, तो शिक्षा नीति में। ग्रामीण और छोटे उद्योग किस प्रकार की पूंजी प्रधान होते हैं, तो कम पूंजी प्रधान। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या की गणना किससे की जाती है, तो प्रति व्यक्ति गणना अनुमान से। विभिन्न पहलुओं को हल करने के लिए किन किन प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, तो सामान्य प्रयास। लैंगिक असमानता का मुख्य कारण क्या होता है, तो महिलाओं में अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी। लैंगिक असमानता के खिलाफ प्रयास के लिए क्या आवश्यक है, तो महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना। उसके बाद पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, तो जीवित और निर्जीव तत्वों का समूह। निम्नलिखित में से किस तत्व को पर्यावरण में शामिल नहीं किया जाता है, तो कंप्यूटर को। लिंग आधारित भेदभाव किस मौलिक मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, तो आपका समानता का अधिकार। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो है वीडियो समाप्त हो जाता है। यदि अभी तक आप वीडियो के साथ जुड़े हुए थे तो एक कमेंट करिए और ये बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। लाइक करना मत भूलिए, एक लाइक मेरे को दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।